जिला सिरमौर की पहाड़ी क्षेत्र के किसानों ने अब अपनी फसलों व घरों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ तारवार का कार्य शुरू कर दिया है ताकि पशुओं से अपनी फसलों को बचाया जा सके। यही नहीं, इन तारवार को इस बार नए तरीके से लगाया जा रहा है ताकि अगर कोई पशु छलांग लगाकर इसे पार करेगा तो वे चोटिल ना हो। इसके साथ साथ लोगों को इस बार आवाजाही करने में भी अच्छी तरह से मजबूत फट्टे लगाए गए हैं ताकि वो भी चोटिल ना हो। पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग अब सभी लोगों ने अपने घरों और खेतों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए तारवार का काम शुरू कर दिया है ताकि इन पशुओं से फसलें बचाई जा सकें। यही नहीं, इस तरीके से तारवार के कारण अब घर भी सुरक्षित हो सकते हैं। गांव के लोग अपने घर में बंधे पशुओं को बाहर चुगाने के लिए जंगल में छोड़ते थे, लेकिन उसमें भी कुछ पशु जंगल से वापस आकर खेतों में नुकसान करते थे। कई सालों से ऐसे ही नुकसान किसान झेल रहे हैं। अब क्षेत्र के किसानों ने फसलों के सुरक्षा के साथ साथ घरों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ तार बांध का उपयोग किया है ताकि इस प्रकार का नुकसान ना हो सके। क्षेत्रीय किसान ने बताया कि ये योजना पहले भी बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे, पर सही ढंग से इसका उपयोग ना होने के कारण कहीं पशु चोटिल हो जाते थे, जिससे शहर के लोगों ने यह तारवार करना बंद कर दिया था। लेकिन अब युवाओं में सीरियस ढंग से इस काम को शुरू किया है। दलीप ठाकुर है जी, मैं यहाँ पे कमेटी का अध्यक्ष हूँ और ये जो बाड़ लगाई है जी, जानवरों को रोकने के लिए लगाई है जी, और ये पुश्तैनी बाड़ है जी। ये जब मतलब पहले हमारे बुजुर्ग जब ये तारवार वगैरह नहीं होती थी ना, तो हम लोग इस किस्म की, हमारे बुजुर्ग इस किस्म की बाड़ लगाया करते थे जिसमें जानवर, हमारे खेत नज़दीक जंगल के आसपास है जी, तो इसमें जानवर के आने का ज़्यादा वो रहता था, तो इसलिए इस किस्म की बाड़ लगाते थे। पुश्तैनी बाड़, इसमें आदमी आ जा सकता है, जानवर का आना जाना बिल्कुल इसमें अब नहीं जा सकता है जानवर। ये इसमें इसका ये फायदा है कि इसमें जो जानवर है जी, जंगली जानवर, ये नहीं जा सकते, ये बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ये मतलब कि इसमें फसलें हमारी बड़ी सुरक्षित रहती है। पहले जागने की जगह अभी नेचुरल जितने हमारा अपना एरिया, उसको इस किस्म का बाड़ लगा करके जानवरों से हमारी फसलें बच जाती है। का बाड़ लगा रहे हैं इनको देख कैमरे को, तो हम इसलिए लगा रहे हैं कि मतलब ताकि पशु अंदर ना बढ़े, और क्योंकि मतलब अंदर नुकसान हो जाता है, और इसलिए हम मतलब ये बाड़ लगाते हैं। तो क्या इससे पशुओं को कोई नुकसान होता है, पशु इसमें फंसते हैं? नहीं, मतलब पशु फंसते हैं जो है नहीं जी, मतलब पशु निकलने वाले कोशिश करते हैं, पर ज़्यादा करके आगे निकलने की मतलब जो है मतलब निकल नहीं सकते इसके अंदर, क्यों इसलिए है मतलब थोड़ा हमारा जो रोकथाम के लिए जो है, इसलिए हम मतलब इस बाड़ को लगा रहे हैं। और आगे जो हमारा ये जंगल है उसके साथ भी ऐसा है कि थोड़ा नुकसान ज़्यादा करके होना नहीं चाहिए, मतलब पशु इधर भी मतलब ज़्यादा करके जाना नहीं चाहिए। अगर खेतों की बात की जाए तो खेतों की बात वैसे है कि मतलब खेत की बात वैसे तार बार खेत में तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ताकि फसल जो हमारी जो मतलब बराबर ना करे, इसलिए सर लगाते हैं इस बाड़ को। कार्यक्रम में वक्त हो गया, एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।